नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट एक बार फिर से गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंज गई। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में आए दिन ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं, जिससे कि रोहिणी कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब से कुछ दिन पहले यानी कि 24 सितंबर 2021 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाशों ने कोर्ट रूम में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद फिर से रोहिणी कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद अब मात्र 6 महीने में रोहिणी कोर्ट में दोबारा से गोलीबारी और अपराध की तीसरी बड़ी घटना देखने को मिल रही है। दरअसल इस बार दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को वकील और कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के बीच सुरक्षा जांच के दौरान कहासुनी हुई, जिसके बाद वहां पर फायरिंग हो गई। इस घटना में 2 वकीलों को गोली लगने की सूचना मिली है। घायल वकीलों को अस्पताल ले जाया गया है। विवाद की वजह क्या थी, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि कोर्ट परिसर के पास गोली चलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब रोहिणी कोर्ट में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। इससे पहले भी यहां शूटआउट और बम ब्लास्ट जैसी कई घटनाएं, जैसा मैंने पहले कहा, हो चुकी हैं। गौरतलब है कि बीते साल सितंबर महीने में रोहिणी कोर्ट में गोलीबारी हुई थी। इस दौरान यहां पर एक बड़ी गैंगवार देखने को मिली थी। इसमें टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 लोगों ने जितेंद्र मान उर्फ गोगी, जो कि गोगी गैंग का सरगना था, उसकी जान ले ली थी। हालांकि पुलिस ने उन दोनों बदमाशों को वहीं पर ढेर कर दिया था। इस मामले में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए गोलीकांड पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले में वकील के वेश में आए बदमाशों पर स्पेशल सेल के जवानों ने जवाबी फायरिंग की थी, जो कि जितेंद्र उर्फ गोगी के साथ में थे। इस फायरिंग में दोनों हमलावर ढेर हुए थे। इस दौरान एक महिला वकील भी घायल हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम में करीब 35 से 40 राउंड गोलियां चली थी। घटना कोर्ट नंबर 206 के बाहर हुई है। लेकिन बीते 6 महीने में लगातार दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में ये तीसरी बड़ी घटना दिल्ली रोहिणी कोर्ट के सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। टीम बीटीएफ न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।